गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी आज मैं आप लोगों को इंग्लिश जो भी टफ़ इडियम्स हैं पार्ट सेवन बताने जा रहा हूं ऑलरेडी हमने अप टू पार्ट सिक्स डिस्कस किए जो कि काफ़ी एग्जामिनेशनस के लिए ये इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है काफ़ी यूज़फुल है सो आप लोग देख सकते हैं क्या क्या एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि रिपीटेड है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनमें ध्यान दें द प्रोडिकल सन वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाई हिज़ फ्रेंड्स वेन ही लास्ट हिज़ मनी यहाँ पे जो भी ग्रीन में दिया गया है वह एक ईडियम है जिसका मतलब आपको यहाँ पे लाल रंग में दिया गया है सो द प्रोडिकल सन वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाई हिज़ फ्रेंड्स वैन ही लास्ट हिज मनी जो भी अयाशी करने वाला लड़के का जो भी पैसा चला गया उसके बाद क्या हो गया हाई एंड ड्राई हो गया मतलब वो अकेला पड़ गया अलोन पड़ गया द सक्सेस ऑफ हिस्स फर्स्ट नावल कम्प्लीटली टर्नड हिज हेड यानि जो भी सक्सेस था उस पहला नावल का क्या हुआ था टर्नड हिज हेड यानि मेड हिम वेन सो कम्प्लीटली क्या हो गया ही मेड हिम वेन अब इसका जो मीनिंग है वेन आप लोग देखिएगा इसका जो भी दिया गया है, वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में आप लोग खुद डिसाइड करिए वॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ वेन उससे क्या हो गया उस सक्सेस से वो थोड़ा सा इट हैज़ गॉन मेड हिम वे शी टर्न्स अप हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस सो टर्न्स अप हर नोज क्या दिया गया है डिसाइजिस इसका मतलब होता है एट लास्ट द रेटर्स फेल बैक फेल बैक यानी यल्डेड होता है इसका मतलब चलिए अगला देखते हैं वेन आई लैंडेड इन नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट क्वाइट एट सी जो भी टसी होता है क्वाइट अट्सी यानी परप्लेक्सड होता है या कन्फ्यूजन स्टेट होता है मदर्स आर ऑलवेज ब्लाइंड टू देयर चिल्ड्रंस फॉल्ट ब्लाइंड टू यानी नज़रअंदाज कर देते हैं छोड़ देते हैं ठीक है गलती हो गया तो हो गया ना क्या हो गया मम्मा लोग माफ़ कर देते हैं छोड़ देते हैं द एब्सेंट माइंडेड बिहेव बिहेवियर इज ए स्टैंडिंग जोक अमॉ द कलीग्स जो भी यहाँ पे एबसेंट माइंडेड प्रोफेसर्स है उनकी जो बिहेवियर है वो कैसा है स्टैंडिंग जोक हो गया अमोंग द कलीग्स उसको कहते हैं वेल नोन ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमर कह सकते हैं अब बात आता है लेइंग ऑफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इज इनावाइटबल अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे जो लेइंग ऑफ है इसका मतलब होता है डिसमिसल फ्रॉम जॉब्स ऑफ मतलब जॉब से डिसमिसल है उसका कहने का मतलब लेइंग ऑफ यानी उनकी जॉब से डिसमिसल है अगला देखिए आई टेक दी एट दी वर्ड सेड रोमियो टू जूलियट यानी ट्रूली बिलीव यू मतलब आई टेक दी एट दी वर्ड मतलब मैं तुम्हें पूरा ट्रूली बिलीव करता हूँ तुम पर पीपल हु डू नॉट ले आउट देर मनी केयरफुली सून कम टू ग्रीफ यानी अगर उनकी अपनी पैसा को ठीक से वो क्या नहीं करता ले आउट यानी ठीक से स्पेंड नहीं करते हैं वो क्या होगा वो आखिर में दुखी हो जाएंगे हैविंग बॉट द हाउस दे डिसाइडेड टू गो द होल हॉग एंड बाय ऑल द फर्नीचर नीडेड सो यहाँ पे वो घर लेने के बाद उन्होंने क्या किया क्या डिसाइड किया टू गो द होल हॉग एंड बाय ऑल द फर्नीचर नीडेड सो अब इसका मतलब टू गो द होल हॉग यानी जो भी उन्होंने डिसाइड किया है एंड बाय ऑल द फर्नीचर नीडेड तो उनको जो भी है रेनोवेशन किया उन्होंने द विलेज हेडमैन प्रिटेंड्स टू बी ए गुड समारिटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये समारिटन यानी जो भी बंदा हेल्पफुल होता है उसको हम समारिटन कहते हैं अगला देखिए इसके बाद द बिलीगढ़ पोलिटिशियन वॉज एंगजियस टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्राइट को कहते हैं गिव ए करेक्ट अकाउंट जो भी बिलीगर्ड पोलिटिशियन है वो एंगजियस है टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्राइट यानी टू गिव अ करेक्ट अकाउंट वो अपने आप को साबित कर रहा है कि वो जो भी कर रहा है वो सही है अपना पूरा अकाउंट अकाउंटेबिलिटी दे रहा है इन अवर फोटोग्राफी क्लब मिस्टर सें पाज फॉर एन एक्सेलेंट फोटोग्राफ़र सो वो क्या होता है उन फोटोग्राफी में जो भी मिस्टर सें था ही पाजेज फॉर एन एक्सेलेंट फोटोग्राफर वो क्या कर रहा है नाटक कर रहा है मतलब ऐसे करके प्रिटेंड कर रहा है द स्मगलर वॉज लाइक ए कैट ऑन हार्ट ब्रिक्स वेन द पुलिस रेडेड हिज हाउस मतलब जब स्मगलर जो है वॉज लाइक ए कैट ऑन हार्ट ब्रिक्स वेन द पुलिस रेडेड द हाउस सो उस हाउस में जाते ही पुलिस तो वो कैसा था स्मगलर वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया अपसेट हो गया लाइक ए कैट ऑन हार्ट ब्रिक्स ही डजेंट सी रियालिटी एज ही लिव्स इन क्लवर सो यहाँ पे क्या इन क्लावर यानी लग्जरी होता है उसको रियलिटी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो ही इज इन क्लावर लग्जरी में था वो जैसे कि अपना विजय माल्या है वई कट अक्रॉस द फील्ड सो दैट वई माइट रीच द रेलवे स्टेशन क्विकली यहाँ पर जो कट अक्रॉस है शॉर्ट रूट होता है जो भी जगह जल्दी पहुँचने के लिए ही केम राउंड विद इन एन आवर ही केम राउंड यानी रिकवर होकर जल्दी एक घंटे एक के अंदर आ गया बाई आल अकाउंट मिस्टर कुमार इज एन ऑनेस्ट एंड स्ट्राइट फॉरवर्ड ऑफिसर सो यहाँ पे बाई आल अकाउंट्स को क्या कहते हैं फ्रॉम ऑल रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स उसका क्या है हॉनेस्ट है काफ़ी स्ट्राइट फॉरवर्ड ऑफिसर है ये प्रूव होता है दिस लेडी इज़ रनिंग डाउन हर सिस्टर्स टू ऑल रिलेटिवस एंड फ्रेंड्स जो भी लेडी है रनिंग डाउन क्या होता है स्पीकिंग इ लव काफ़ी गलत अनाप शनाप बोल रही है हर सिस्टर्स टू ऑल रिलेटिवस एंड फ्रेंड्स सो जो भी है उसके बारे में गलत बता रही है वो अगला देखिए

शिक इन देयर शोज़ इसका मतलब होता है ट्रम्बल विद फर स्टूडअप टू सेल्यूट जो भी है वो शिक इन देयर शोज़ क्या होता है ट्रम्बल विद द फीयर तो घबरा रहे हैं वो काफ़ी अगला देखिए द टीचर्स एक्स्ट्रा आर्स ऑफ कोचिंग वेंट ए लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस सो वेंट ए लॉन्ग वे क्या होता है हेल्पड कंसिडरबली क्या कह सकते हैं काफ़ी दूर तक वो हेल्प किया गया है उनकी जो टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग की वजह से अब बात आता है एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विथ द स्ट्राइंग द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कोप विथ होता है कोप अप विथ नहीं होता है। सिर्फ कोप विथ होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप विथ द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयज़ बार बार स्ट्राइक कर रहे थे जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया हैंडल करने के लिए उन बंदों को डू नॉट रन डाउन योर फ्रेंड्स इन पब्लिक रन डाउन क्या होता है अपना दोस्तों को क्रिटिसाइज़ ना करो द स्टूडेंट्स वर टू पोर ओवर द लेसन्स थरोली तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स थे उनको अडवाइज किया गया है टू गो थ्रू द लेसन्स थरोली यानी टू पोर ओवर तो काफ़ी उसको देखना चाहिए आपको यू हैव टू स्क्रिटनाइज द टू फेमस राइटर्स क्रॉस्ड स्वाड्स विथ ईचर ऑन एवरी ईशू उसको हम कहते हैं डिसग्रीड सो so, जो भी फेमस राइटर्स क्रॉसड स्वाड्स विथ ईचर ऑन एवरी ईशो क्रॉसड स्वाड्स कब होता है जब झगड़ा करते हैं डिसअग्री करते हैं हिस्पेरेंट्स कट हिम ऑफ विद आउट ए शिल्ग जो भी हिस्पेरेंट्स है कट हिम ऑफ वित्उट ए शिल्ग को डिज इनहेरिटेड हिम कह सकते हैं द एर्फ लिसेस्टर थ्रियू डाउन द ग्लो यानी गेव ए चैलेंज कहते हैं सो द एर्फ लिस्टर थ्री डाउन द ग्लो यानी गेविंग ए चैलेंज दे हैव मेड मेनी चेंजेस इन द पॉलिसी बट हाउ मेनी ऑफ दिज चेंजेस आर गोइंग टू अफेक्ट द मैन इन द स्ट्रीट सो द मैन इन द स्ट्रीट क्या है जो भी मैन इन द स्ट्रीट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये देख लो आप लोग क्योंकि आप जो जो मैन स्ट्रीट में रहता है वो कॉमन मैन होता है ऑर्डिनरी मैन होता है मैं आपसे विनती करता हूँ एक बार प्ले में जाइएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्ले 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा अलग अलग आपको प्ले देखने को मिलता है चलिए अगला क्या है देखते हैं यू नीड टू हैव समथिंग अप योर स्लीव इफ द प्रजेंट प्लान डजेंट वर्क यानी हैव एन आल्टरनेटिव प्लान को कहते हैं हैव समथिंग अप योर स्लीव कह सकते हैं द एजुकेशन मिनिस्टर एंड फाइव अदर एम एल एज सस्टेंड माइनर इंजुरीज इन द फ्री फॉर ऑल इन द दसेंबली जो भी है अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है फ्री फॉर ऑल इन द दसेंबली यानी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन कह सकते हैं राम आलवेज स्टैंडसअप फॉर ए जस्ट कॉज यानी क्या कर रहा है वो स्टैंडसअप क्या होता है बैकअप देना या सपोर्ट देना हे सक्सेस इन द लास्ट एग्जामिनेशन इज़ नथिंग बट ए फ्लैश इन द पैन इट विल नॉट श्योरली हैप्पन अगेन सो यहाँ पर क्या होता है ए फ्लैश इन द पैन यानी अनएक्सपेक्टेड टर्म को कहते हैं ए फ्लैश इन द पैन अगला देखिएगा आई विल नॉट अलाउ यू टू पे डक्स एंड ड्रेक्स विथ माई मनी मैं अपने पैसे को तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगी वेस्ट नहीं होने दूँगी प्ले डक्स एंड ड्रेक्स कह सकते हैं देर अटैम्प्टू नैप द स्मगलर एंडेड एज ए वाइल्ड गूस चेज जैसे कि वाइल्ड गूस को पकड़ना आप एक होपलेस सर्च है तो कोई फायदा नहीं है फ्यूटाइल सर्च है आपको कुछ मिलेगा नहीं वाइल्ड गूस चेस करने से गूस को पकड़ना होता है बड़ा सा गूस को ही हैज़ अ वे विथ वर्ड्स एंड दैट मेक्स हिम सक्सेसफुल सेल्स मैन उसके पास क्या है हैज अ वे विथ वर्ड्स यानी स्पीक्स कन्विंसिंगली काफ़ी अच्छी तरह से वो बात करता है कन्विंस करके फ्लैटरी कह सकते हैं आयली टंग कह सकते हैं ओनली दोस्त हु हैव करेज एंड डिटर्मिनेशन टू गो अगेन्स्ट द टाइड कैन लीड ए कंट्री टू प्लेंटी एंड प्रॉस्परिटी जो कि टू गो अगेन्स्ट द टाइड क्या होता है टू अपोज़ द मेजोरिटी कह सकते हैं अब बात आता है पीपल वर ऑन टेंटर हुक्स वेन द पॉजिबिलिटी ऑफ एन एर्थक्वेक्स वॉज अनाउंसड इसको हम कहते हैं टेंटर हुक्स यानि वेटिंग नर्वसली फॉर द आउटकम एक होता है ऑन द फैंस ना इधर का ना उधर का सोचते रहते हैं टेंडर हुक्स होता है वेटिंग नर्वसली फॉर द आउटकम जैसे कोई भी रिजल्ट आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा उससे वेट करना इन द कमिटी द सेक्रेटरी ऑलवेज रूल्स द रोस्ट क्या होता है रूल्स द रोस्ट इट इज़ अ मोस्ट पावरफुल पर्सन मेकिंग ऑल डिसीशंस को रूल्स द रोस्ट कहते हैं वी हैव टू स्टेम द टाइड ऑफ ब्रेन ड्रेन इन ऑर्डर टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू कंप्लीट विद द एडवांस्ड कंट्रीज जैसे कि स्टेम द टाइड क्या होता है स्टॉप द रिकरेंस ऑफ आप कभी टाइड को आप होल्ड कर सकते हो नहीं टू स्टॉप द रिकरेंस ऑफ को कह सकते हैं स्टेम द टाइड अब बात आता है दे पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स टू कंडक्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन ए सक्सेसफुल मैनर यानी डिड एवरीथिंग इन देयर पावर कह सकते हैं पुल्ड आउट ऑल द स्टॉप्स क्या होता है डिड एवरीथिंग इन देयर पावर इफ़ यू वॉन्ट टू सी योर बिजनेस प्रॉस्पर एवरी वन ऑफ यू शड पुल यू वेट यहाँ पे पुल यू वेट क्या होता है वर्क या एज हार्ड हैज़ अदर पीपल जिसको हम कह सकते हैं बाई हिज़ वर्चुअस लाइफ ही हैज़ मेड अमेंट्स फॉर हिज़ पास्ट एक्शंस जैसे कि मेड अमेंट्स फ़ॉर क्या होता है कंपेंसेटेड फ़ॉर होता है जो कि आपको पता होनी चाहिए ही रीड फॉर द बार यानी स्टडी टू बिकम ए जज कह सकते हैं ही रीड फॉर द बार अब बात आता है आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी अगर डाउट्स है आप प्लीज़ इस प्ले में जाइए आपको पचास से ज़्यादा प्ले देखने को मिलेगा अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको फ़ायदा होगा इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विसेज द पारसीस बियर द पाम यहाँ पे बियर द पाम क्या होता है दे आर द लीडर्स सो जो भी सोशल सर्विसेज में जो भी पार्सिस है ना काफ़ी अच्छी उनकी पार्टिसिपेशन है ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू करी फेवर विद हिज़ बॉस एंड डजेंट इवन मेंटेन हिज सेल्फ रेस्पेक्ट जैसे कि करी फेवर विद क्या होता है फ्लैटरिंग करना मतलब उससे एकदम ऑयली टंग कन्विंस कर देना और उसकी वजह से वो क्या होता है वो मेंटेन भी नहीं करता सेल्फ रेस्पेक्ट उसको एकदम अयाशी के साथ बात करता है एकदम बिंदास रहता वो टू तो कैस्ट स्पर्शन क्या होता है टू तो मेक अनप्लेजेंट रिमार्क्स को हम लोग कैस्ट अस्पर्शन कहते हैं ऑन द कार्ड्स क्या होता है एंटीसिपेटेड होता है डीले होता है इट्स ऑन द कार्ड्स कभी भी देखो वो क्या करता है पत्ता खेल के टाइम बर्बाद करता है डिले डीले करता है एंटिसिपेट करता है इन्स एंड आउट्स क्या होता है डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज को हम इन्स एंड आउट्स कहते हैं अब बात आता है द पुअर मैन मूड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट यानी टू गेट द मनी यानी ट्राइड हिज बेस्ट अपना बेस्ट दिखाना उसको कहते हैं पिलर टू पोस्ट द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश यानी जो भी स्कीम है दट अपियर क्या होगा वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश यानी पहला साइट में फर्स्ट साइट में his pronunciation was so bad and his voice so low that the speech he made was all greek to me matlab मतलब, all greek to me kya hota hai incomprehensible hota hai jo ki hum comprehensible nahi hai incomprehensible hai jo samajh mein nahi aa raha wo the dare passed himself off as a ticket examiner उसको हम क्या कहते हैं? distinguished himself कह सकते हैं. passed himself off as a ticket examiner distinguished himself सो पास्ट हिमसेल्फ़ डिस्टिंग कह सकते हो अब बात आता है द फेलो ट्रम्पड अप ए स्टोरी इसको कहते हैं ट्रम्पडअप यानी ट्रांसलेटेड कह सकते हैं ए प्राइम मिनिस्टर के नॉट राइड रफ शार्ड ओवर हिस मिनिस्टरियल कॉलिग्स फॉर लॉन्ग यानी राइड रफ शेड ऑनी बी हैम हैंड विथ कह सकते हैं अब ये क्या है हेम आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा नेट पे।

आर्म, आर्मी में जाए हुए तो क्या होगा एडवेंचरस रहेगा अपना लाइफ डिफरेंट रहेगा द नोबल मैन गेव अप द घोस्ट यानी गेव अप द घोस्ट यानी वो अपने आप को घोस्ट को सरेंडर कर दिया यानी मर गया वो दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स मतलब डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड क्या होगा उसमें डेवलप होगा एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड होगा द एटीएस सेट द बेट टू अरेस्ट द टेररिस्ट जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उन्होंने क्या किया सेट द बेट आप जानते हैं जैसे कि बेट हाँ कहाँ यूज़ करते हैं मछली को पकड़ने के लिए लेट द ट्रैप कह सकते हैं देर वॉज अ जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन मतलब टू गेन एक्सपीरियंस कह सकते हैं टू कट माई टीथ ऑन कह सकते हैं अगला देखिए द पोलिस क्लोज द बुक ऑन द मर्डर केस यहाँ पे क्लोज द बुक क्या होगा सो स्टॉप वर्किंग ऑन कह सकते हैं ही लुक्स अप टू हिज फादर मतलब ओबे कर रहा है अपने पापा को ही लुक्स अप टू हिज फादर यानी ही ओबेज हिज फादर द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्रोचर यानी सेट फोर्थ क्या होता है जो भी रूल्स है इस डील का उसके बारे में क्या किया गया है उस ब्रोचर के अंदर मेंशन किया गया उसको कहते हैं स्टेटेड शी बॉट हर न्यू हाउस फॉर a सॉन्ग यहाँ पे क्या किया उन्होंने क्या किया शी बॉट हर न्यू हाउस फॉर a सॉन्ग यानी वेरी चीपली कह सकते हैं द चेयरमैन ट्राई टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस बट द मबर्स जस्ट वुड नॉट लीजन जैसे कि गेट हिज पॉइंट अक्रॉस क्या होता है मेक देम अंडरस्टैंड कहते हैं सो गेट हिज पॉइंट अक्रॉस यानी मेक दैम अंडरस्टैंड सिंस द कंपनी हैज लॉस्ड ए गुड डील ऑफ टाइम एंड मनी यू विल हैव टू मेक गुड द लॉस यानि मेक गुड द लॉस क्या होता है कंपनसेट फॉर द लॉस सो यहाँ पे क्या कर रहा है कंपनसेट कर रहा है फॉर द लॉस once his crime was discovered he had no option but to come clean so yahan pe kya ho gaya to confess the crime keh raha hai to come clean keh sakte hain apne aap ko confess kar raha hai agree kar raha hai the employers were kept in the dark yani about the latest developments so you jo bhi employers the wo kya kar raha hai they were keeping in dark were not informed at all jab उनको अंधेरे में रखा जा रहा है उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है दे आर नॉट इन्फॉर्म डटाल उनको बताया नहीं जा रहा है क्या क्या हो रहा है वेन थिंग्स गो रॉन्ग एवरी वन स्टार्ट पासिंग द बक जब आपके साथ बुरा होता है ना वो क्या करता है ब्लेम्स सम वन एल्स वो किसी और को ब्लेम करते रहते हैं वो उसकी वजह से हुआ इसकी वजह से हुआ पासिंग द बक वो ऐसे बोलते रहते हैं बस ये कुछ इडियम्स आपको याद रखना ज़रूरी है ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है नज़रअंदाज ना करो यू कैन कॉल मी और मैसेज मी अगर आपको 20,000 हज़ार पी डी एफ ऑफ जी के और जी एस चाहिए सो प्लीज़ प्ले लिस्ट में ज़रूर जाइएगा अपना दोस्तों को भी शेयर करिएगा थैंक यू दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना सब्सक्राइब कर लेना आगे वीडियो देखने के लिए थैंक यू